नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। मैं आज सीतामढ़ी के वार्ड 36 में आई हूं। यहां पर वार्ड पार्षद के लिए कृष्णनंदन जी हैं, खड़े हैं। इनसे हम बात करते हैं कि क्या आगे क्या करेंगे और क्यों इस लाइन में आए हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप कृष्णनंदन जी, आप एक युवा हैं, ठीक है। बहुत लोगों के आपके वार्ड में 12 लोग खड़े हैं। आप अपने वार्ड में जीतने के लिए बाद क्या करेंगे? वार्ड में जीतने के बाद हम बहुत ऐसे जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इस सब पर बहुत अच्छी ढंग से ध्यान देंगे। जिस चीज में कमी हो उस चीज में आपने अभी शिक्षा का नाम लिया, स्वास्थ्य का नाम लिया, तो शिक्षा पर बताइए आप कैसे काम करेंगे? शिक्षा पर हम काम करेंगे यही कि जो स्कूलों है इस स्कूलों में देखेंगे जी कैसे क्या व्यवस्था है और जिस चीज़ में कमी हो उस चीज़ को कमी दूर करेंगे। और बच्चों जो भी बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जा पाते हैं स्कूल, उसके लिए कोई व्यवस्था और उसको जाने का प्रयास करेंगे जाने का। चलिए, बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बताइए, आपने स्वास्थ्य पर भी बात किया है तो उस पर कैसे काम करेंगे? स्वास्थ्य पर जैसे किसी अपने वार्ड में किसी का तबीयत खराब हो, इमरजेंसी जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, सदर हॉस्पिटल, उसमें से आने में ज़्यादा समय लगता है एम्बुलेंस का, तो हम चाहेंगे कि जो गांव में ही वार्ड में ही अपना एक एम्बुलेंस रहना चाहिए और उसमें अच्छा तुरंत पहुंच जाएगा, यही काम करेंगे। तो अपने वार्ड के लोगों की सुविधा के लिए आप एम्बुलेंस रखेंगे जो इमरजेंसी में काम आएगा। चलिए, आपने स्वास्थ्य शिक्षा पर बता दिया, आपने एक अपने बैनर पर बेरोजगारी की बात की है, तो आप बेरोजगारी पर कैसे काम करेंगे? बेरोजगारी में जो है अपने वार्ड में जैसे हर एक जगह, वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसे जगह है जो जिसमें बहुत कमी है, रोजगार है, बहुत बेरोजगार है, तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जैसे कोई काम आए, जो बैठे हुए लोग हैं उनको जो काम आएगा तो उनको बता करके उसको रोजगार में बदलने का काम करें। चलिए, आप जो बेरोजगार है आपकी नज़र में कोई काम आएगा तो बेरोजगार को बता करके उनमें मदद करेंगे। चलिए, आप बहुत धन्यवाद कि अपने वार्ड के लोगों के लिए इतना आपने सोचा। तो कृष्णनंदन जी, एक और समस्या है, क्योंकि ये पहले आपका पंचायत हुआ करता था, ठीक है, तो अब ये शहर में आया है, शहर बन गया। अभी भी लगभग यहाँ के लोग खेती करते हैं, अभी खादों के लिए बहुत लोगों को किल्लत होती है, ये तो आपको पता होगा। जी, पता है। तो जब आप यहाँ पर वार्ड पार्षद बन जाएंगे तो इस पर आप क्या कदम उठाएंगे? कदम यही उठाएंगे कि जैसे कि जी अभी खाद आता है तो बहुत सारे दुकान में देखते हैं कि बहुत महंगा भी बिकता है, उस महंगा को रोक लगाने पर कंप्लेन डाल करके काम करेंगे और जितना जो रेट है, जो रेट में बिकता है, बिकना चाहिए, उस रेट में बिकवाने का काम करेंगे। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर मेरा साइंस है, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ग्रेजुएशन में है। राजनीति में आने कैसे इंटरेस्ट हुआ आपका? राजनीति में आने का इंटरेस्ट यही हुआ कि जो पहले पंचायत था ना, उसमें देखी कि बहुत रोड अभी बना हुआ नहीं है, बहुत मुखिया आए और उसमें जो काम हुए, वादा बहुत किए लेकिन वादा में काम अच्छा नहीं कर पाए, देखते हैं बहुत रोड खराब है, उस चीज को हम देखते हुए और बहुत गरीबी देखते हुए, गरीब को सुनने में काम नहीं आते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े आदमी, उस चीज को रोक लगाने के लिए हम इसमें उतरे हैं। आप अपने वार्ड के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? वार्ड के लोगों को कहना चाहेंगे यही कि जो जो अच्छे लोग, जो शिक्षित हो, उनको चुने, यही कहना चाहेंगे। जो सब सुख संपन्न हो, सुख दुख में सबका साथ दे। चलिए, कृष्णनंदन जी का इस राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य है कि अपने वार्ड के लोगों के हित में काम करना, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ वार्ड की भलाई के लिए। तो एक युवा का को मौका जरूर दे, हम यही कहेंगे कि एक मौका युवा को दे और इनको जिताए। एक शिक्षित युवा है, बहुत कम उम्र के है और अपने वार्ड की भलाई के लिए
यहाँ उतरे हैं, एक मौका दे करके इनको जिताए एक बार, ताकि ये अपने वार्ड के भलाई के लिए काम कर सके। हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल, देखते रहिए हमारे चैनल।